वेपन रॉयल फ्री फायर का एक ऐसा इवेंट सॉरी फ्री फायर का एक लौता ऐसा इवेंट जिसके अंदर से हमें लेजेंडरी गन स्किन्स फ्री में देखने के लिए मिल जाते हैं। बात तो सही है। और तो और बस 15 दिन के बाद हमारा गेम का वेपन रॉयल चेंज भी होने वाला है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। बट क्या आप लोगों को ये मालूम है कि नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर कौन सा गन स्किन आएगा? हमको नहीं पता। यही तो हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो समझ ही सकते हो वीडियो कितने ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए इसे कहीं भी स्किप मत करना। अब चलिए फिर बिना किसी देरी किए बिना किसी वक्त बर्बाद किए शुरू करते अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते अपना आज का कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, वर्ल्ड थाउ समझते। दोस्तों आप लोग प्यूमा, एडिडास या फिर नाइकी जैसे ब्रांड को तो जानते ही होंगे, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो इनके जूते पहने होंगे। क्या बात है, पर अब से आप लोग गेम के अंदर भी नहीं यूज कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, गरेना वालों ने भी रिसेंटली प्यूमा ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया था, जिसके चलते जल्दी अपने गेम के अंदर कुछ इस टाइप का आप लोगों के रॉयल देखने के लिए मिलेगा, जिसके ऊपर ऑब्वियसली एंजेलिक रॉयल तो लिखा ही हुआ है, लेकिन सबसे ऊपर यहाँ पे फ्री फायर एक्स प्यूमा भी लिखा हुआ है। इस रॉयल के अंदर जो सबसे पहला आइटम आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है वो होने वाला है प्यूमा स्पीडस्टर। कुछ इस टाइप का आप लोगों को जैकेट सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, ठीक है। जैकेट का क्या ही तारीफ करें, क्योंकि जैकेट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एनिमेशन देखने के लिए मिल जाता है। इस जैकेट के पीछे के हिस्से पे आप लोगों को का ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, इस रॉयल के अंदर आने वाला दूसरा आइटम कुछ इस टाइप का आप लोगों को एक पैंट भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसका नाम अगेन प्यूमा स्पीडस्टर ही है, पर ये एक बॉटम है गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत ही आप लोगों को येलो एंजेलिक जैसा दिखेगा। इसके भी लेफ्ट लेग के ऊपर आप लोगों को प्यूमा का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट आइटम हम लोगों को कुछ इस टाइप का एक व्हाइट पैंट देखने के लिए मिल जाता है, जिसका नाम है प्योर एंजेलिक। इसके ऊपर हालांकि प्यूमा का कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं किया गया है, आप लोगों का सिंपल वाला व्हाइट एंजेलिक पैंट है, ठीक है गाइस। अब इसके अलावा यहां पे आप लोगों को जूते भी देखने के लिए मिल जाते हैं गाइस, जिनके ऊपर अगेन आप लोगों को प्यूमा का ब्रांडिंग दिखने के लिए मिलेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये वाला इवेंट किस सर्वर के अंदर आ रखा है, इंडिया के अंदर आएगा भी या फिर नहीं, अगर आएगा तो कब तक आएगा। रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों ये जो इवेंट मैंने आप लोगों को अभी भी दिखाया, ये किसी बाहर सर्वर के अंदर नहीं आया है, ये आप लोगों को इंडिया के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। और इसके जो कंफर्म डेट है वो बताया जा रहा है 10 अप्रैल है। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल को गेम के अंदर आप लोगों को ये वाला एंजेलिक रॉयल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को प्यूमा के कपड़े, जूते सब देखने के लिए मिलेंगे। अगला एपिसोड। चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट मोका हैकर स्टोर के बारे में। दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, ये एक ऐसा मोका हैकर स्टोर है जिसको देखने के बाद आप लोगों का दिल पक्का गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गन्स की देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले तो एक लेजेंडरी स्किन जिसमें डबल डैमेज प्लस, सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन प्लस और मैगजीन सिंगल माइनस भी है, ठीक है। अब अगला गन को अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग को एक्समाइट का एक बढ़िया सा स्किन देखने के लिए मिल जाता है गाइस, ठीक है, जिसमें अगेन डबल डैमेज प्लस ही है, सिंगल रेंज प्लस है और सिंगल लोड स्पीड माइनस हो रहा है, ठीक है। यार रेट ऑफ फायर वाली गन क्यों नहीं आती यार, लॉन्ग रेंज में रेट ऑफ फायर में बढ़िया हेडशॉट लगते हैं। आगे आगे देखते हैं, क्या पता आगे कोई रेट ऑफ फायर वाली गन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। तो तीसरा गन हमारा कुछ इस प्रकार का M4N स्टार जनरल, ये भी काफी ज्यादा नॉर्मल सा गन है, ये लेजेंडरी है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग को डबल डैमेज सेमी एट्रीब्यूट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ने पे हम लोग एक बढ़िया सा स्कार का स्किन देखने के लिए मिल जाता है, ओ भाई इसमें आप लोग को डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, ये हुई ना बात। हां इस कार के अंदर एबिलिटीज तो बढ़िया है, पर इसका जो लुक है वो पता नहीं मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। आप लोग खुद देखिए और बताइए इसका लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसके अलावा आगे आने वाले गन को देख लेते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे एक ग्रोजा का स्किन भी देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर एबिलिटी तो बढ़िया ही है यार, डबल रेंज प्लस सिंगल रेट ऑफ फायर प्लस इसके अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलता है, और इसका लुक्स वो भी खराब नहीं है यार, वो भी आप लोग को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है। और हो भी सकते हैं आप में से काफी सारे लोग इस वाले ग्रोजा स्किन को अभी अपने गेम के अंदर यूज भी कर रहे हो। अगला गन हम लोग के यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक ऑग का स्किन देखने के लिए मिल जाता है, ये आप लोग का बुया डे वाला ऑग है, जिसमें डबल एक्यूरेसी प्लस सिंगल डैमेज प्लस और रिलोड स्पीड सिंगल माइनस है, ठीक है। इसमें भी हेडशॉट वगैरह बढ़िया लगेंगे, ठीक है। बात करें बोनस प्राइजेस सेक्शन के बारे में, तो बोनस प्राइजेस के अंदर सबसे पहले आप लोगों को जिस टाइप के कोड पिकर देखने के लिए मिलता है, यार बहुत सारे गन स्किन्स आप लोगों को इस बोनस प्राइजेस सेक्शन के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग ग्रैंड प्राइजेस सेक्शन से एक लेजेंडरी गन को चूज कर सकते हो और बोनस वाले सेक्शन से एक लेजेंडरी गन को वापस से चूज कर सकते हो। हालांकि इस मोका हैकर स्टोर के अंदर आप लोगों को बहुत सारे लेजेंडरी वेपन्स देखने के लिए मिल रहे हो, पर ये वाला मोका हैकर स्टोर ना मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या हुई भाई, ये पूछो क्या नहीं हुई। मैंने इस मोको हैकर स्टोर को शुरू से लेकर के एंड तक देखा और आप लोगों को भी दिखाया, पर इसके अंदर ना आप लोगों को एक भी एसएमजी गन देखने के लिए मिला, ना आप लोगों को एक भी शॉटगन देखने के लिए मिला। भाई ये समस्या है, क्या बोलने। तो इसलिए इस टाइप का मोको हैकर स्टोर जब भी गिरने वाले प्लान कर रहे हो इंडिया के अंदर डालने की, प्लीज 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 उसके अंदर सिर्फ एयर वाले गन्स मत डाल देना, उसके अंदर साथ साथ शॉटगन्स और एसएमजी वाले गन भी डालना। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।
चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते इस वीडियो के अंदर आगे और अभी हम लोग बात करते हैं आज का हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक के बारे में जो कि नेक्स्ट वेपन वाले। तो नेक्स्ट वेपन वाले के अंदर आप लोग को कौन से न्यू गन स्किन देखने के लिए मिलेगा ये तो मैं आप लोग को बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना अगर आप लोग ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो रोज देखना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट वेपन वाले के बारे में, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी के टाइम पे अपने गेम के अंदर ये ऑग वाले वेपन वाले चल रहा था जिसके अंदर ये वाला लेजेंडरी ऑक का स्किन तो था ही, साथ साथ यहाँ पे आप लोग को ग्रोजा का भी एक बढ़िया सा स्किन देखने के लिए मिल रहा है जिसमें डबल रेंज प्लस था, मैगजीन सिंगल प्लस था और एक्यूरेसी भी सिंगल माइनस था। अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ठीक है उससे बस 14 दिन बचे हैं नेक्स्ट वेपन वाले को आने में जिसके अंदर ये ऑक का स्किन तो चेंज हो ही जाएगा और जो सेकेंडरी गन जो की ग्रोजा था ठीक है वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल। कोई बात नहीं एक गन चेंज हो जाएगा वही अच्छी बात है वही बड़ी बात है ठीक है। तो आइए देखते हैं 14 दिन के बाद वेपन वाले के अंदर से ऑक का स्किन हटेगा उसकी जगह के लिए नेक्स्ट वेपन कौन सा आएगा। स्किन के ऊपर अभी आप लोगों को एक M500 का स्किन देखने के लिए मिल रहा होगा तो इस गन स्किन का सबसे पहला चांस बन रहा है ठीक है आने का। इसके अलावा M60 का ये वाला स्किन जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस गन के यहाँ पे सेकेंडरी चांसेस बनता है कि ये भी आप लोगों का वेपन वाले के अंदर आ सकता है, पर अगर ऐसा भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं सबसे ज्यादा चांसेस आप लोगों को इस वाले किंगफिशर स्किन का देखने के लिए मिल जाता है जिसमें डबल एक्यूरेसी प्लस भी है, सिंगल रेट ऑफ फायर प्लस है और रीलोड स्पीड सिंगल माइनस है। अभी भी जो मैंने आप लोगों को तीनों गन स्किन दिखा दिया आपको तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, M500 वाला, किंगफिशर वाला या फिर M60 वाला, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथ साथ ये भी बता देना तीनों में से किस गन स्किन को आप लोग अपने नेक्स्ट वेपन वाले के अंदर देखना चाहते हो। ओके। चलिए दोस्तों फाइनल टाइम आ चुका है कि अभी हम लोग बात कर ले हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि आज का टूर्नामेंट अपडेट। दोस्तों कल सुबह गेम के अंदर कैसा इवेंट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, इतना अच्छा इवेंट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा किसी ने सोची ना होगी। जी हाँ दोस्तों कल सुबह जब आप लोग अपने गेम को ओपन करोगे ऊपर आप लोग कुछ इस टाइप का एक बढ़िया सा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो आप लोगों के सामने एक मस्त चमचमाता रमजान स्पेशल मिक्स शॉप देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे अपना लक वगैरह ट्राई कर सकते हो। हाँ दोस्तों अगर आप लोग ये वाला वीडियो मिक्स शॉप आने के बाद देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मिक्स शॉप के अंदर से आप लोग को कितना परसेंटेज का डिस्काउंट मिला, लिख देना। देखो यार अभी इसी टाइम के ऊपर मतलब सेम टाइम के ऊपर ही बाहर सर्वर के अंदर भी आप लोग को मिक्स शॉप देखने के लिए मिल रहा है, बाद मेरे को यहाँ पे 76% इसका डिस्काउंट मिल गया। मिशोफ के रिवर्स तो उससे भी ज्यादा गजब थे जैसे कि आप लोग देख सकते हो एंटर करते हैं हम लोग को एक बढ़िया सा इमोट यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाता है ठीक है। और बंडल्स वगैरह के बारे में बात कर ले तो बंडल्स के मामले में भी ये वाला मिशोफ काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। बाकी देखना ये बेहतर रहेगा कि जब इंडियन सर्वर के अंदर आप लोग को कल सुबह मिशोफ देखने के लिए मिलेगा उसके अंदर भी क्या हम लोग को ऐसे अच्छे खासे रिवॉर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, इस सवाल का जवाब भी आप लोग को कल सुबह हमारे चैनल के अंदर से ही मिल जाएगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कल मिशोफ के ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊं विद फेस कैम। क्या बोलते हो गाइस बनाया जाए? अगर आप लोग को लग रहा है कि बनाना चाहिए मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए, मैं कल सुबह आप लोग के लिए मिक्स अप वाला वीडियो भी बना दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों विद दैट्स इट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।